किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिनके कारण छोटा भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवर की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्ला कर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाए। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान भी लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उससे हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं, क्या तुम उस जानवर को यहां पर देखा है? पर वह व्यक्ति कहता है, राजन मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद न करें। राजा संदेह व्यक्त की बात सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। वह सोचने लग जाता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जिस हिरण की तलाश कर रहा हूं वह मेरे लायक नहीं है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहां से भागा है वह मेरे लायक ही नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि यह राजन जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन नहीं है बल्कि एक मादा हिरन है और वह गर्भवती भी है। और जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी कारण से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यह हिरन आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरण गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि है यदि वह हैरानी हुई और गर्भवती भी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे, इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही थी वह बिल्कुल सही थी, वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता वह ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे कैसे पता चल गया। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर ये अंदाज में कैसे जानता है कि वह जानवर गर्भवती है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा कर रहा हूं वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है, तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिसका पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आए तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक ही ऋणी है और मेरे खेत की जो बाध है, जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनी है, वह बहुत छोटी है,
उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन वह जानवर इस बात को तोड़कर भागे और यदि वह इस बात को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो जाता और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह एक हिरण ही है, और भी दो जानवर यहाँ से आते जाते होंगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भांप सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलें नष्ट होने से बच जाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। मैं समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मान ली और सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन ये कैसा प्रश्न हुआ। इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आपके बात क्यों जानना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा, यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा। इस पर वह कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है, रानी मैं आपको छूना चाहता हूँ। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उसने अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित होता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी छोटा कहा तो मैं आपका सर भी आपके धर से अलग कर दूंगा। आगे राजा कहता है, मुझे बताए आप पतिव्रता है या नहीं। इस बार रानी कहती है कि राजन आप भले मुझे जान से मरवा देंगे लेकिन आज मैं सच बोल दूंगी, मैं पतिव्रता नहीं। राजा ये बात सुनकर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। ये बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अंधा आदमी कहता है, हे राजन बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया, और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे हो सकती है। लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना ताब, बस लात घूंसों से मुझ पर बरसना शुरू कर दी। और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराए मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताएं
स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस बात पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो, तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद, आखिर आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वह आदमी कहता है, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको अभी भी ये बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन, आप तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, मुझे बताओ क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनते ही राजा और भी ज्यादा अचरज में पड़ जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब भी मैंने आपको सही से दिया, यदि कोई और राजा होता तो मुझे उसके बदले ढेर सारे इनाम दिया होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात करना, तुम किसी की बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंदाज में कहता है कि ही राजन, मैं तो वैसे ही अंधा, मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता है। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसकी दान करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो जन्म से ही अंदाज में मैं देख नहीं सकता है, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता लगा पाता हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अभी किसी के भी मन की बातें जान सकता। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान है और सरल है, किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे तो अगला आदमी सोच रहा है, वर्तमान में अपनी मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, जो तीन तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तीन तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। ये राजा, जो सबसे पहला तरीका है, वो आंखों पर ध्यान देना, किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना है। उसकी आंखों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं और बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों को, इशारों को समझना सीख जाए तो हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है।
वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल आंखों में ही देखकर जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना होगा, जैसे कि वह कब और कहां किधर देख रहे हैं, वह आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही है और फिर आंखों में कहीं निराशा तो नहीं है। जैसा कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगला आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में चालाकी होती है। यह एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है तो आपको उसकी आंखों में ध्यान देना अति आवश्यक होता है। यदि आपसे बात करते वह व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है या ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरीके में हम चेहरे को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से अपने हाव भाव से बहुत कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या बहुत उदास है या फिर वह बहुत खुश है या फिर उसे कोई बड़ा दुख है तो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकती है। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या फिर ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हाथों के शरीर का व्यवहार मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है, जो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, वह बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने के चेहरे पर बार बार हाथ लगाने और हाथों को एक दूसरे पर मसलना ऐसी बहुत सी क्रियाएं करता है, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और न ही आप कभी भी समझ पाएंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। यह काम कोई भी कर सकता है। यह एक प्रकार की विद्या है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। राजन, अगर आपको ये जानना है तो मेरे साथ आपको कुछ दिन रहकर इसका अभ्यास करना होगा। राजा तुरंत राजी हो जाता है और वह उस अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर देता है और खुद अंधे व्यक्ति का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।